तो भाई साहब कल यानी 23 फरवरी को इंडियन सिनेमा में जबरदस्त भगदड़ रही है पूरे दिन, क्योंकि दो मूवीज यामी गौतम की आर्टिकल 370 एंड विद्युत जम्वाल की क्रैक, इन दोनों मूवीज ने तबाही मचाई है या नहीं मचाई है उसको अभी कवर करने वाले हैं। दूसरा, आर्टिकल 370 से तो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स भी निकल कर आ रहे हैं, जिसे प्रोपोगंडा भी बोला जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल डर्टी गेम भी बोला जा रहा है, और बहुत सी चीजें, मतलब फुल डे ये कॉन्ट्रोवर्सीज में रहा है और अभी भी कॉन्ट्रोवर्सीज इस पे चल रही हैं, जिसपे बहुत से सोशल एक्टिविस्ट वीडियोज बना रहे हैं प्रोपोगंडा कह के वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज। तो अभी सारी चीजों को कवर करेंगे, कितना इन दोनों मूवीज ने कल कमाई किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है डे वन के लिए, कितना इनके खाते में आया है नेट इंडिया से वर्ल्ड वाइड, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे आर्टिकल 370 से। भाई मूवी दमदार है, इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा है, क्या पॉलिटिकल डर्टी गेम है, वो चीजें अलग साइड में रखकर एज ए व्यूअर अगर मूवी के हिसाब से बोले तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आर्टिकल 370 को हटाना क्यों जरूरी था, और इसको हटाते समय जो जद्दोजहद हुई थी उसे वेल मेंटेन किस हिसाब से करा गया था, और इसके पीछे कितनी ज्यादा मुसीबतें आई थी, और उन मुसीबतों को कैसे न्यूट्रलाइज करके इतनी बेहतरीन तरीके से वो सारी व्यवस्था को जो अस्त व्यस्त हो सकती थी मेंटेन करा गया था। तो उस हिसाब से भाई मूवी दमदार है, एक्शन के मामले में दमदार है। जिस हिसाब से आपको, आपने अगर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है तो उसका सिक्वल पार्ट टू, इसको एक बार के लिए वाइब आपको नजर आएगी। बाकी वन टाइम वॉचेबल है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग के मामले में दमदार मूवी है, और प्रोपेगेंडा वगैरह इसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। पर मूवी का परफॉर्मेंस कल दमदार रहा है, अगर क्लैश नहीं होता विद्युत जम्वाल की क्रैक मूवी से तो हो सकता था ये जो कलेक्शन कल के लिए आया है ये डबल हो सकता था। बजट इस मूवी का 20 करोड़ के आसपास है, एंड मेन लीड पर हमें यामी गौतम देखने को मिलेंगी, सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस हमें प्रियामणि देखने को मिलेंगी, और भी जबरदस्त किरदार हैं इसमें जिन्होंने अपना बखूबी अच्छा काम किया है। डे वन के लिए कल नेट इंडिया से 6 करोड़ 20 लाख 12 लाख के आसपास आया है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8 करोड़ 60 लाख के आसपास ये मूवी अपने खाते में सिक्योर करते नजर आई है, जो देखा जाए तो एवरेजली हिट है, क्योंकि मूवी का बजट कोई ज्यादा नहीं है तो ये अपना कमाई निकाल लेगी। सेकेंड मूवी क्रैक की बात करें तो भाई क्रैक दमदार है, एक्शन के मामले में सिर्फ स्टोरी प्लॉटिंग इसके मामले में देखोगे विद लॉजिक तो भाई मूवी निराश ही करेगी आपको, और बहुत से कंपैरिजन अगर आप सेट करोगे कि यार स्क्विड गेम्स वगैरह जो बड़े बजट की मूवीज है तो वहां पर भी आपको निराश ही करेगी। बाकी एक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्शन के मामले में कुछ नया था इंडियन सिनेमा में जो इंट्रोड्यूस करा गया, मतलब कहीं से तो शुरुआत हुई जो ठीक था, लेकिन उतना बेहतर भी नहीं था, उस बेहतर को बेहतरीन बना सकते थे पर चूक गए। बाकी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जाओ जरूर देखो, बजट 80 करोड़ के आसपास है, जिसमें डे वन के लिए कल इस मूवी ने पूरे दिन तबाही क्या मचाई है, 4 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन सिर्फ नेट इंडिया से कल डे वन के लिए आया, जो बहुत बिलो टू बिलो एवरेज है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल डे वन के लिए 6 करोड़ ये मूवी अपने खाते में सिक्योर करते नजर आई है। तो 80 करोड़ का बजट है जो बहुत बड़ा बजट है, और मूवी पहले दिन सिर्फ 6 करोड़ कमाते नजर आ रही है, उसके बाद मूवी को रिव्यू भाई मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा क्रिटिक्स भी कर रहे हैं और कोई लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। दैट्स वाई कि मूवी फ्लॉप है नहीं है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, हिट भी नहीं कह सकते फ्लॉप भी नहीं कह सकते। तो ये दोनों मूवी भाई मैंने तो देख ली, अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो चैनल चेकआउट कर लेना, इस पर इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है पहले ही, और बाकी देखते हैं कौन सी मूवी फाड़ के कमाई करेगी कि नहीं करेगी। आप लोगों ने दोनों मूवी से कौन सी मूवी देख ली है, जो भी देख ली है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको नीचे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।